तो हेलो और सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हथेली और तलवों से पसीना आने पर क्या आयुर्वेदिक उपाय करना चाहिए। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पसीना शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करने वाली एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन अतिरिक्त पसीना असहजता और शर्म का कारण बन सकता है, खासतौर पर जब ये पाल्स और फीट को प्रभावित करता है। आयुर्वेद में अतिरिक्त पसीना को नियंत्रित करने के कई प्राकृतिक उपचार हैं। स्वेटी पाल्स और फीट को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक प्रभावी तरीकों में से एक हर्बल स्नान है। एक बाउल में नीम के पत्तों का एक हाथ और कपूर के कुछ पॉड्स को पानी में उबालें। उसे कमरे के तापमान तक ठंडा होने दें, फिर इसमें अपने हाथों और पैरों को 10 से 15 मिनट तक डालें। नीम के पत्तों की एंटीफंगल और एंटीमाइक्रोबियल गुणों और कपूर की ठंडक उन शीघ्र पसीने को नियंत्रित करने और आपकी त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करेगा। आप एक और आयुर्वेदिक उपचार का उपयोग कर सकते हैं, मसाज करना। अच्छी तरह से नींबू का रस निकालें और इसे तुलसी या चमोमाइल के तेल में मिलाएं। इस मिश्रण को हाथों पर लगाएं और उसे मसाज करें। इससे हाथों के पसीने के समय उत्पन्न होने वाले बदबू को कम किया जा सकता है। आप एक और उपचार भी प्रयोग कर सकते हैं जो अतिरिक्त पसीने को कम करने में मदद कर सकता है। ये हेरिटेज पैन और शिवलिंगी से बनी चाय है। इस चाय को नियमित रूप से पीने से आपके शरीर के अंदर की गर्मी कम होगी और पसीना कम होगा। आप एक अच्छी व्यायाम योगा संयोजन भी कर सकते हैं जो अतिरिक्त पसीने को कम कर सकता है। एक आसन है वृक्षासन। इस आसन में आपके हाथ ऊपर की ओर उठे रहते हैं, जो हाथों के पसीने को नियंत्रित करता है। वीडियो में यहाँ तक बने रहने पर आप सभी का बहुत धन्यवाद। प्लीज इस वीडियो को जरूरतमंद लोगों तक जरूर शेयर करें। सभी का बहुत धन्यवाद।